हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर शनिवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। ये शाम 6 बजे तक चलेगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। प्रदेश में कुल वोटर 2.03 करोड़ हैं। इनमें 1.07 करोड़ पुरुष और 95 लाख महिला मतदाता हैं। इस चुनाव में 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 930 पुरुष और 101 महिलाएं हैं। इनमें भी 462 निर्दलीय हैं। निर्दलियों में 421 पुरुष और 41 महिला उम्मीदवार हैं। राज्य में पहली बार 5 बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस, बीजेपी, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है। देखिए, अब ये कहानियां घड़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब घड़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो पता लगेगा। मैं प्रदेश के लोगों से कहना चाहूंगा कि 100% मतदान करें। लोकतंत्र की मजबूती में हरियाणा प्रदेश के मजबूती के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा को विकसित हरियाणा, जिस गति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मजबूती से काम किया है, आने वाले समय के अंदर भी हम हरियाणा प्रदेश को तीव्र गति से आगे विकास में मामले में बढ़ाने का काम करेंगे। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए आप खुल करके मतदान करें और विकास की गारंटी मोदी की और हमारी गारंटी है, कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है।